नमस्कार दोस्तों सांस फूलना या सांस की तकलीफ़ महसूस होना यह कंप्लेन कई लोगों की होती है और आजकल के ज़माने में जो वीडियो कंसल्टेशन या ऑडियो कंसल्टेशन काफ़ी हद तक आम हो चुका है तो कई ऐसे कॉल्स आते हैं कई ऐसे ऐसे कई बार लोग पूछते हैं कि भाई मेरी सांस फूलती है तो मैं क्या करूं किसको दिखाऊं कहां जाऊं सांस फूलना कई कारणों से हो सकता है सबसे सिंपल कारण है जिसको कहते हैं फिजिकल डीकंडीशनिंग। फिजिकल डीकंडीशनिंग का मतलब होता है कि जिस उम्र या जिस अवस्था या जिस तरह के शरीर के आप मालिक हैं उस हिसाब से उससे कार्य नहीं लेना कोई अगर बुजुर्ग हैं और वो नहीं ज्यादा चलते नहीं काम करते तो ऑब्वियसली उनकी सांस जल्दी फूलेगी कोई ओबीज व्यक्ति है मोटा है और एक्टिव नहीं है तो उसकी सांस जल्दी फूलेगी कोई व्यक्ति जो नॉर्मल हेल्थ का है सब कुछ ठीक है मगर फिर भी वो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते लिफ्ट से घर से उतरते हैं कार में बैठते हैं लिफ्ट से ऑफिस में चढ़ते हैं लिफ्ट में चेयर पर बैठते हैं और यही उनकी दिनचर्या है लौट कर टीवी के सामने बैठ कर रिमोट चलाते हैं तो जब अगर उन्हें थोड़ा भी चलना होगा आधा किलोमीटर चलना होगा एक मंजिल सीढ़ी चढ़नी होगी उनकी सांस फूलेगी इसको कहते हैं फिजिकल डीकंडीशनिंग सो इतनी देर में हमने देखा कि एज वेट, आपकी एक्टिविटी का लेवल ये सारी चीजें आपकी आपकी एक्टिविटी कितनी होगी और सांस कब फूलेगी उसको डिटरमिन करती हैं। इसके अलावा जब हम पैथोलॉजिकली इसको सोचते हैं तो सांस फूलना किन किन चीजों पर निर्भर करता है अगर किसी को फेफड़ों की प्रॉब्लम है तो सांस की तकलीफ हो सकती है फेफड़े कमजोर हैं तो चलने में सांस फूलेगी कई बार अगर किसी को अस्थमा है सीवियर सीओपीडी है तो बैठे बैठे भी सांस फूलेगी एक्यूट ब्रोंकाइटिस या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या किसी को चेस्ट का इन्फेक्शन हो गया अपर स्प्रिट ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया तो उसकी सांस फूलेगी लेकिन साथ साथ उसको खांसी बुखार भी होगा जिससे हमें अंदाजा लगेगा कि ये इसका कारण कोई इन्फेक्शन हो सकता है हार्ट की प्रॉब्लम में अगर हार्ट कमजोर है हार्ट का फंक्शन कम हो गया या हार्ट के वाल्व की प्रॉब्लम है या हार्ट के नलियों की प्रॉब्लम है उससे हार्ट अटैक हो गया या किसी को हार्ट की नलियों में ब्लॉकेज है जिससे कि चलने में नॉर्मली सीने में दबाव या दर्द होता है इसको एंजाइना बोलते हैं कई बार उसका भी वेरिएंट सांस फूलने की तरह हो सकता है तो आप देख रहे हैं कि फेफड़ों के कई तकलीफ़ों में सांस फूलने की प्रॉब्लम आती है किसी में ज़्यादा किसी में कम किसी में चलने में किसी में बैठे बैठे उसी तरह हार्ट की भी कई तकलीफ़ों में सांस की प्रॉब्लम आती है कभी ज़्यादा कभी कम कभी चलने में कभी बैठे बैठे इसके अलावा अगर किसी को हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जिसको एनीमिया बोलते हैं तो भी उसकी सांस फूलेगी किसी को थायराइड बहुत कम या बहुत अधिक थायराइड की प्रॉब्लम थायराइड की जो सिक्रिसन हो बहुत कम या बहुत अधिक हो जाए जिसको हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड कहते हैं तो भी सांस की तकलीफ़ होगी किसी का किडनी फंक्शन अगर गड़बड़ है तो भी उसको सांस की तकलीफ होगी तो ये बातें इतनी बातें मैंने इसलिए बताई क्योंकि इसको क्लियर कट डिफाइन कर पाना कई बार बहुत कठिन होता है उसके लिए हमें कुछ टेस्ट्स करने पड़ते हैं कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट से भी कई बार चीज़ें पकड़ में आती हैं सिंपल बात करने से कि वो कितना चलते हैं चलने में सांस फूलती है या बैठे बैठे सांस फूल रही है सुबह में सांस फूलती है या शाम में फूलती है तो इससे भी कई चीज़ों की डायग्नोसिस हो पाती है हम सिंपल जो ब्लड वर्क करते हैं हीमोग्लोबिन थारॉयड किडनी का फंक्शन इसके अलावा हार्ट का ई चेस्ट का एक्सरे उसके अलावा कई बार हम हार्ट के फंक्शन के लिए और हार्ट के वाल्वस को देखने के लिए हार्ट का इको देखते हैं या लंग के फंक्शंस को चेक करने के लिए लंग फंक्शन टेस्ट या पलमोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं तो ये सारे टेस्ट करने कई बार करके हमें नतीजे पर पहुंचना पड़ता है और कई बार उसमें से एक से ज़्यादा परेशानी भी हो सकती है जो सांस फूलने का कारण हो तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि कोई भी जांच अगर डॉक्टर बता रहे हैं या लिख रहे हैं तो उसके पीछे वो क्या जानना चाहते हैं और जब आप ये समझ लेंगे तो आपको ये ये भी समझ आएगा कि हाँ क्या क्या कारण मेरे में हो सकता है और डॉक्टर किस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं उनके जांच के पीछे मंशा क्या है और उससे डायग्नोसिस होने से इलाज बहुत सही हो पाएगा अगर हम सांस फूलने का ब्लैंकेट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करें तो शायद इलाज हमारा मिसगाइडेड हो जाएगा धन्यवाद